नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल हमारा बिहार। तो आइए बात करते हैं, आज 16 मई 2020 यानी कि शनिवार हो चुका है। आइए जानते हैं देश दुनिया साथी बिहार की बड़ी खबरों को। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना महामारी यानी कि चीनी महामारी के बारे में। जी हाँ, भारत में अब तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 81,970 को पार कर चुकी है, जबकि 2649 से अधिक लोग इस महामारी के कारण दम तोड़ चुके हैं। बात करें उन लोगों की जिन्होंने इस महामारी को हरा दिया है, उनकी संख्या 27,920 हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1,000 को पार कर चुकी है, जबकि 411 लोगों की रिकवरी हो चुकी है। वहीं अगर इस महामारी से मृत्यु का आंकड़ा बात करें बिहार की, तो बिहार में 7 का आंकड़ा को भी पार कर चुका है। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबरों का। जी हाँ, लॉकडाउन का दर्द कुछ ऐसा है कि भेड़ बकरियों की तरह ट्रक में भरकर घर लौट रहे हैं प्रवासी। उनका कहना था कि मिट्टी ढो लेंगे लेकिन अब बाहर नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि लॉकडाउन का सबसे अधिक प्रभाव प्रवासी मजदूरों पर पड़ा। काम बंद हुआ तो रोजी रोटी खत्म हो गई। कमाकर जमा किए गए पैसों से कुछ दिनों तक किसी तरह गुजारा किया। जब वह भी खत्म हो गए तो घर लौटने के सिवा कोई चारा नहीं था। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से रोज 40,000 से अधिक प्रवासी घर आ रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ट्रेन की सुविधा नहीं मिल रही। ये श्रमिक पैदल, साइकिल, ठेला, ट्रक या किसी और साधन से घर लौट रहे हैं। बातचीत के दौरान उन मजदूरों का कहना था कि हम लोग यहाँ मिट्टी ढोने को भी तैयार हैं। यहाँ रोजी रोटी के लिए जो काम मिलेगा वह करेंगे, लेकिन दूसरे राज्य में अब नहीं काम करने जाएंगे। आइए आते हैं अगली खबर पर। राहत की खबर, दरभंगा का पहला कोरोना मरीज हुआ स्वस्थ, लौटा घर, उसकी मां भी पॉजिटिव से हुई निगेटिव। 22 दिन में कोरोना को किया पराजित। चिकित्सकों ने कहा मरीज में रोग लड़ने की क्षमता, प्रारंभ में बिना लक्षण के जांच, सफाई, उचित खान पान, रहन सहन, अनुकूल वातावरण, मरीज द्वारा लगातार गर्म पानी पीने से हारा कोरोना। स्वास्थ्य कर्मियों ने तालियां बजाकर विदा किया। तो चलिए दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, ट्रंप की सभी तरह से संबंध खत्म करने की धमकी के बाद झुक गया है चीन और अमेरिका से समझौते की गुहार लगाई है चीन की तरफ से। आपको बता दें कि चीन ने शुक्रवार को अमेरिका से समझौता करने और कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में पूरा सहयोग देने की बात कही है। चीन का यह बयान ट्रंप की धमकी के बाद आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा था कि वे चीन से सभी रिश्ते खत्म कर सकते हैं। दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंध कुछ हफ्तों में ज़्यादा ही खराब हो गए हैं। कोरोना महामारी आने के बाद अमेरिका चीन पर लगातार दुनिया को धोखे में रखने और वुहान की लैब में वायरस निकलने का आरोप लगाता रहा है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि हमें मिलकर महामारी को हराना होगा। तो चलिए दोस्तों, रुक कर लेते हैं अगली खबर का। खबर आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग ने ड्यूटी से गायब डॉक्टरों को चेतावनी दी और कहा है कि 72 घंटे के भीतर ड्यूटी संभाले वरना कार्रवाई की जाएगी। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टरों को चेतावनी दी है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर 3 दिन के अंदर योगदान दे, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त होगी और उनके खिलाफ महामारी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि सभी चिकित्सक शिक्षकों को अंतिम रूप से निर्देश दिया जाता है कि वो 3 दिन के अंदर अपना योगदान समर्पित करें, अन्यथा बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से लगातार 15 दिनों से अधिक तक अनुपस्थित संविदा चिकित्सक शिक्षक के पद पर कार्यरत सीनियर रेजिडेंट की संविदा समाप्त मानी जाएगी और अनुपस्थित चिकित्सकों के विरुद्ध नियम अनुसार और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1857 की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। आइए आते हैं बिहार की अगली खबर पर। बिहार के इन जिलों में मौसम विभाग ने दी आंधी, तूफान और बारिश की चेतावनी। मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव की स्थिति है और शनिवार की रात भी कई जिलों में बारिश, तेज हवा के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए आंधी और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। तो चलिए दोस्तों, रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कल से अररिया सुपौल के लिए हर दिन चलेंगी 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। जानते हैं टाइम टेबल उनका क्या है। दरअसल बिहार वापस लौट रहे श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। अब जो भी मजदूर उत्तर प्रदेश के रास्ते गोपालगंज की सीमा में प्रवेश करेंगे, उन्हें घर जाने के लिए 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन सेवा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ रेलवे के द्वारा कुचायकोट के जलालपुर स्टेशन से अररिया और सुपौल के लिए प्रतिदिन 2 ट्रेनें चलेंगी। इन ट्रेनों से वैसे मजदूर अपने गृह जिले में भेजे जाएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन कुचायकोट के जलालपुर चेक पोस्ट पर किया गया है।
तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबरों का। जी हाँ, बिहार सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला आया जिसमें कहा गया है कि क्वारंटाइन सेंटर में अगर हंगामा किया जाएगा तो टिकट का पैसा उनको वापस नहीं दिया जाएगा। दरअसल बिहार सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा करने वाले प्रवासी मजदूरों को लेकर बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। जी हाँ, दरअसल आपदा प्रबंधन प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि सभी जिला अधिकारियों को चिट्ठी लिखी गई है कि क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को अनुशासन के साथ रहना होगा। साथ ही साथ क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले मजदूरों को हंगामा करने और सड़क जाम कर भी रेलवे टिकट का पैसा नहीं दिया जाएगा। साथ ही क्वारंटाइन सेंटर के समय को भी कम किया गया है। अब प्रवासी मजदूरों को 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर और 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबरों पर। जी हाँ, खबर आ रही है वैशाली से। वैशाली में राजनीतिक रंजिश में अपराधियों ने मुखिया पति को मारी गोली, अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि बिहार के वैशाली जिले में बेखौफ अपराधियों ने गोली मारकर मुखिया पति की हत्या कर दी। घटना विदुपुर थाना के पानापुर चौक की है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक लव कुमार सिंह दिलावरपुर गोवर्धन पंचायत की मुखिया पूनम देवी के पति थे। आशंका है कि राजनीतिक रंजिश के चलते अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। तो चलिए दोस्तों आज जान लेते हैं सोना और चांदी का क्या भाव रहा बुलियन मार्केट में। शुक्रवार को 24 कैरेट सोना का दाम 47,380 रुपये पर बंद हुआ। वहीं अगर हम चांदी की बात करते हो, चांदी 1 केजी चांदी का दाम 48,290 रुपया तक चला गया।